पत्थर है, होल है, उसके बीच में से जो निकलता है, तो उसके बाद से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो इस वजह से भी ये बहुत फेमस है चोली की जाली, और काफ़ी इसकी बहन के मजे मजे। अब व्यू देखिए, देखिए गाइस। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, पलाक, आप सभी का मेरे चैनल में एक्सप्लोर विद कोलू। सो गाइस, आज संडे के दिन हम निकल चुके हैं मॉर्निंग में राइड में, आज सुबह सुबह, और मॉर्निंग की राइड में आज जा रहे हैं हम मुक्तेश्वर। और अभी हमने एक ब्रेक ले रखा, मतलब स्टार्टिंग प्री ब्रेक ले रखा सुबह सुबह वाला, सल्लड़ी में रुके पड़े हैं अभी। और ये पूरा सल्लड़ी वाला एरिया है पूरा, आप देखिए पूरा हरा भरा हो रखा, आपको जैसे बरसातों में ग्रीनरी हुई दिखी है। और सामने देखिए बोर्ड भी लगा हुआ सल्लड़ी का। तो आज हमारा प्लान है मुक्तेश्वर जाने का, वहाँ काफ़ी एक दो जगह है घूमने वाली। तो एकदम सो गाइस, सल्लड़ी से हम निकल चुके हैं अब अपनी डेस्टिनेशन मुक्तेश्वर के लिए। सो हम जाएंगे भीमताल, भवाली, भवाली से हम कर जाएंगे रामगढ़ वाला मुक्तेश्वर, रामगढ़ से मुक्तेश्वर। तो आपको भी दिखाएंगे सुंदर सुंदर व्यू इन पहाड़ों के। और आप इस चैनल में नए हैं तो तब तक ले सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और सामने दिखता हुआ हल्द्वानी अपना, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। आज हम घर से 6 बजे निकल गए थे, बहुत ही सही मौसम आ रहा है। सो गाइस, ये देखिए जवाहर नगर की एक गाड़ी जा रही है, क्या धुआं छोड़ रही है, राजा बाबू गाड़ी का नाम है, राजा बाबू UK 04 वाले राजा बाबू, और धुआं देखे बैंक करके मुंशियारी। सो जा रही है ये अपने मुंशियारी जवाहर नगर भोटिया पड़ाव। जवाहर नगर तो आपका हल्द्वानी में है, भोटिया पड़ाव पर पॉल्यूशन देखिए उसे कितना कर रही है बैंक पहाड़ों में। ये देखिए अब मारेगी, देखो अब ये देखिए डीजे वाला डांस, ओ डीजे वाला धुआं निकलता है ना वो वाला, बस फर्क कितना है, वो वाइट निकलता है, ये ब्लैक है। राजा बाबू। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी ये भीमताल, और भीमताल में मतलब जो मेन रोड, अभी भीमताल में जस्ट एंट्री कर रखी है, अभी मार्केट साइड नहीं पहुंचे हुए। और भीमताल का जैसे कि पानी बीच में सूख गया था, गर्मियों के टाइम में बहुत पानी सूख गया था, तो अब वापसी बहुत पानी हो चुका है यहाँ जब से बारिश हुई है। तो वही है, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये लेकों का भी पानी सूखता जाएगा, और बस एकमात्र सहारा ये रहता है कि बरसातों में पानी फुल हो जाता है बस, और दोबारा वही कंडीशन रहेगी, जितनी हर साल गर्मी बढ़ती रहेगी हर साल पानी घटता रहेगा। जो उधर था, जो मल्ली साइड था, वहाँ पर तो पानी बहुत ही सूख गया था, आधा आ गया था पानी वहाँ पर, फिर वहाँ से क्या बोलते हैं JCB से खुदाई करके उसे गहरा करा, तब जाके वहाँ पर अब पानी भरेगा। तो ये है कंडीशन, और अभी बहुत सुनसान है भीमताल में, देख सकते हैं अभी कोई ट्रैफिक नहीं है यहाँ। अब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी तो पहाड़ों का। और आज मेरे साथ राइड में जा रहा है अनुराग, कुमाऊनी राइडर, दी कुमाऊनी राइडर। अनुज भाई तो आए नहीं, उन्हें काम आ गया था। अनुज भाई के साथ अब नेक्स्ट वीक वाली राइड करेंगे, वो बहुत बढ़िया राइड होने वाली है। जैसे हम बुढ़ मधमहेश्वर था वहाँ जहाँ हम गए थे मधमहेश्वर, वहीं यहाँ अपने कुमाऊं में बुढ़ केदार भी है, तो हम वहीं जाएंगे अगली बार, तो आपको भी ले जाएंगे। बहुत कम लोग जा रखे हैं वहाँ, वहाँ जो होती है शिव जी के धड़ की पूजा होती है, तो चलेंगे आपको लेके चलेंगे, पूरा मंदिर दिखाएंगे। यहाँ से कुछ 130-140 किलोमीटर है हल्द्वानी से, तो ऐसे ही आपको अभी बरसातों के टाइम में आपको ये मतलब अपने लोकल में ही एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे नज़ारे, क्योंकि अब हमारा प्लान तो बना है सेप्टेम्बर का, बहुत तगड़ी जगह है, अभी आपको रिवील नहीं करूँगा, पर अभी हमारा प्लान जाने का तो वहीं का है, बस ये है कि फाइनल नहीं हुआ है कब जाना है, पर एक नंबर जगह है बस। आपने काफ़ी लोगों के व्लॉग में भी देख ली होगी, पर है तो वो ट्रैकिंग वाला ही है, पर मज़ा आ जाएगा आप भी जाएंगे तो। सो अब यहाँ से हो जाएंगे राइट साइड को मुक्तेश्वर रामगढ़ वाला, और ये सामने जा रहा है आपका भवाली, कैची धाम, अल्मोड़ा, रानीखेत, और ये जाएगा आपका रामगढ़ मुक्तेश्वर। बहुत अच्छी लोकेशन है, वैसे तो मैं रामगढ़ तक गया हुआ गाइस, मुक्तेश्वर में आज पहली बार जाऊंगा, पर जो रूट है बहुत ही प्यारा रूट है, बहुत बढ़िया रूट है, जंगल वाला एरिया है पूरा, बहुत तगड़ा, आपको भी मज़ा आएगा इस रूट में जाके। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर।
तो मेरा दोस्त भी बोल रहा है इस वाले रूट में मैं कभी नहीं आया हूँ, आया हूँ तो बस यहीं तक आया हुआ, तो इन्हें भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा और जो आप लोग देख रहे हो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो आप लोग बता दिया करो गाइस, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम लिख दिया करो कमेंट में, ताकि मेरे को भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स जो हैं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि इतनी दूर दूर से देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स। चलो लोकल के तो देख ही रहे होंगे जो यहाँ के आसपास के होंगे, बट जो दिल्ली राजस्थान अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लिख दिया करो जहाँ से भी आप देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चलते रहे कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से हैं। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं ये गागर, रामगढ़ से पहले पड़ता है, मतलब रामगढ़ में एक तरह से एंट्री हो चुकी है हमारी, और इसे बोलते हैं गागर। और काफ़ी यहाँ आपको होम स्टे, होटल्स और काफ़ी बढ़िया व्यू मिलेगा यहाँ से। नथुआ खान है देखिए 20 और मुक्तेश्वर है 29, कोराब है 46। हाँ आगे से देखेंगे अभी। सो गाइस, अभी यहाँ से आपको हिमालयन दर्शन भी हमें, मतलब आपको क्या, आपको भी दिखा दूंगा, वैसे गोप्रो में दिखेगा नहीं, हमें यहाँ से हिमालयन दर्शन हो चुके हैं सुबह सुबह, पर अभी ऊपर थोड़ा ना ऊपर क्लाउड्स हो रहे हैं तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर क्लाउड्स नहीं होते तो बहुत तगड़े लगते वो हिमालयस जो दिखते हैं, नंदा देवी पर्वत है या कौन से हम पता नहीं, पर जो रामगढ़ मुक्तेश्वर है ना इसलिए जाना जाता है यहाँ से, मतलब आपको हिमालयस के भी दर्शन हो जाते हैं, और ये मतलब एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट है पूरा रामगढ़ मुक्तेश्वर, काफ़ी लोग आते हैं इधर घूमने के लिए, और ठंडा भी हो रहा है यहाँ को अभी, काफ़ी सही लोकेशन। अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हैं तो एक बार यहाँ भी विज़िट करिए, यहाँ रुकिएगा, अगर आपको सुकून मतलब पीस वाली ज़िंदगी काटनी है एक दो दिन के लिए तो आप यहाँ रुक सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लोकेशन में। ये पहुंच चुके हैं हम गाइस रामगढ़, और मुक्तेश्वर जाएगा सीधा, सीधा जाता है मुक्तेश्वर की तरफ को, और ये आ चुके हैं मार्केट। रामगढ़ कितनी सुनसानी है देखिए गाइस, यहाँ पहाड़ों में बहने का कहा, हम शहरों की जिंदगी जी रहे हैं और पहाड़ों की जिंदगी देखिए सुनसान भरी, ना ही कोई ट्रैफिक ना ही कोई, ये देखे बंदा भी खुश हो रहा है। देखिए आपको ट्रैफिक ही नहीं दिखेगा इस रोड में पे आने का। सो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हुए थे मुक्तेश्वर से पहले एक व्यू पॉइंट में रुके थे, मतलब व्यू पॉइंट ही कहूंगा मैं, पर आप नजारा देखिए, देखिए पे एंकर क्या सीनरी आ रही है, जैसे मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर लगा रखा हो मैंने अपने डेस्कटॉप में, पूरा वही वॉलपेपर वाला ही सीन है, और सामने देखिए हिमालयस और क्लियर होते जा रहे हैं पूरे, ये देखिए पूरे हिमालयस दिख रहे हैं पूरे, गोप्रो में इतने क्लियर आ ही नहीं रहे होंगे, पर पूरे हिमालयस पर जो आप सीनरी है ना पूरी, ये देखिए क्या मस्त ग्रीनरी तो वैसी हो रही है पहाड़ों में आजकल, और ये पूरा देखिए घाटी टाइप की क्या मस्त लग रहा है, ऐसा व्यू हमें गढ़वाल में दिखता था पर अब हमें यहाँ कुमाऊं में भी दिख गया है, क्या मस्त मज़ा आ गया। सो गाइस, अभी हम मुक्तेश्वर से 10-15 किलोमीटर पहले रुक चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और जिस पॉइंट में हम रुके हुए चाय और नाश्ता करने के लिए, पर भाई जो मौसम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, गजब का मौसम हो रहा है, और जो व्यू है ना यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आपको भी देख के मज़ा आएगा। अभी हम छत में बैठे हुए हैं, यहीं पर टेबल वेबल लगी हुई थी तो यहीं पर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, और अनुराग को भी मज़ा आ चुका है, क्या मज़ा आ गया इसकी बहन के मज़े मज़े, और व्यू देखिए, देखिएगा इस व्यू देखिए आप क्या सही व्यू हो रहा है, और वो सामने देखिए हिमालयस देखिए, और इधर देखिए ये गद्दार वन, गद्दार तो घर में बैठे हुए, अरे हाँ गद्दार घर में बैठे आए ही नहीं है, लगता है बलिनो का टायर पंचर, एवेंजर का टायर पंचर, एवेंजर का टायर पंचर। पर देखिए प्रॉपर्टीज़ देखिए आप कितनी प्रॉपर्टीज़ बन रही है यहाँ पर, ज़्यादातर होम स्टे होटल्स ही हैं, इधर भी होटल है बहुत, मतलब मुक्तेश्वर रामगढ़ जो चीज़ के लिए जाना जाता है वो हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, और प्रॉपर्टी तो बहुत ही सारी है, इधर भी प्रॉपर्टीज़ बन रही है, पर व्यू देखिए एक बार मैं आपको पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ गाइस, क्या मस्त हो रखा है यार, मौसम तो एक नंबर हो रखा।
सुनसानी देखिए आप, क्या तगड़ी, और ग्रीनरी देखिए क्या सही, और के बीच में पेड़ इतने सारे भाई, बहुत सही हो रहा मौसम, बहुत सही। तो अभी ये यहाँ पर करते हैं आलू पराठे मंगवा रखे हैं, चाय 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 मंगा रही है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हम आलू पराठे की आदत पड़ गई अब हमें, और आलू पराठे की इतनी आदत पड़ गई हम लोग खुद आलू पराठा बन गए। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम आलू पराठे ही खा रहे हैं, चाहे वही पीते। जो व्यू आ रहा है ना इधर पर, अभी ये क्लियर होता ना और बढ़िया दिखता है, मज़ा आ गया यार आज आके, सुकून। सो गाइस अपने भी आ चुके हैं, पराठा आलू के पराठे सब्जी चाय, मजे लेते हैं इस वेदर का, इस व्यू के साथ देखिए, अरे हाय क्या मस्त मौसम रखा है, और शांति भर। चलिए खाते देखे, ये लगा रखा है उत्तराखंड टूरिज्म वालों ने, मुक्तेश्वर का जो मंदिर है योग के लिए, जैसे अपना अल्मोड़ा में जहाँ इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, मुक्तेश्वर नाम का पहाड़ी चोटी, ये 5000 साल पुराना मंदिर है गाइस, मुक्तेश्वर धाम, और इसी के बारे में लिखा है जो बहुत पुराना, मतलब 5000 वर्ष पुराना मंदिर। तो यहाँ से प्रसाद ले लिया हमने भाई के यहाँ से, चलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमने प्रसाद देखे, प्रसाद ले लिया है और मंदिर में एंट्री कर लिया हमने, और जो ये मुक्तेश्वर धाम मंदिर है शिव जी का, हमारे भोले बाबा का, ये है 5000 साल पुराना मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है, और काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये देखे हमारा कुमाऊनी राइडर खुश हो गया आज यहाँ के, सुबह सुबह कॉल करके बोल रहा था हम किसी जाए कि नहीं जाए, और अब देखिए अब बोल रहा है अब दोबारा आते हैं अगले हफ्ते, ऐसे हैं। तो मैं जहाँ भी ले जाता हूँ इन्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ कि इनका भाई दोबारा मन करता है। ये बेमतलब का फोकटरी का क्रेडिट, जबकि मैं इन लोगों से कहते तो थक गया था, मुक्तेश्वर चलते हैं। हाँ एक ने हमें गोली दे दिया, हाय हाय महादेव, अभी आके लगाते हैं। सो गाइस ये जो सामने आपको दिख रहा है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, एक तो ये रहा शक्तिपीठ, और एक है मंदिर ऊपर, जो ऊपर दिख रहा होगा वो भी आपका मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, और ये राम मंदिर, हनुमान मंदिर, तो यही है आपका समाधि मंदिर, मुक्तेश्वर महाराज जी आश्रम, ये है आप देख सकते हैं इधर, ये आश्रम होगा समाधि वाला, पूरा बहुत बढ़िया है, शांति वाला माहौल एकदम, और लोकेशन भी बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही ज़्यादा। सो हमने दर्शन वर्शन कर लिए महादेव जी के, और अभी हम जा रहे हैं चोली की जाली, जो कि बहुत फेमस है, नाम से जाना जाता है फेमस चोली की जाली, वहाँ ले जाता हूँ। जैसे आपको कसार देवी में दिखा था व्यू पहाड़ पत्थर वाला, वैसे यहाँ भी है, और काफ़ी इसका वो भी है, हिस्ट्री भी है, मतलब कुछ कहते हैं मैं आपको बताऊँगा। और ये यहाँ का पूरा व्यू देखिए, पूरा मंदिर महादेव मंदिर है यहाँ, अगर आज आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चोली की जाली, और बहुत बढ़िया वेदर हो रखा, फॉग भी आ रहा, तो आपको लेके चलता हूँ चोली की जाली, चलिए। तो गाइस अभी मंदिर से दर्शन करके हम जा रहे हैं चोली की जाली, और उस जाली के पीछे आज दिखाएंगे अब आपको क्या है, आजकल एक था चोली के पीछे और ये है चोली की जाली, मतलब चोली में जाली फंसी हुई है, हम उसे निकालने जा रहे हैं, और गुल्लन जी वहां से कूद मारेंगे। एक्सप्लोर विद गोलू, आज हम आपको कुछ एडवेंचर करके दिखाएंगे, वो जैसे अभी पीछे वो बाबू साहेब वाले वो बोले थे एडवेंचर करते हुए खाइएगा, तो हम भी खाएंगे आज, क्यों। हाँ बिल्कुल, ये देखो आपस में इधर उधर कैमरा लगा के, और रास्ता देखिए क्या क्लासिक रास्ता, एडवेंचर वाला रास्ता। ये सो गाइस देखिए इस जगह को बोलते हैं चोली की जाली, जो ये आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, इस जो ये पॉइंट है इसे बोलते हैं चोली की जाली, और सारे पत्थर ऐसे हैं यहाँ पर, एकदम मस्त फोटोज आती है, पर अभी तो फॉग हो रखा, पूरा फॉग आ रखा, अभी पूरा व्यू छुप गया है, और देखिए पूरा चोली की जाली, और यहाँ पर पुलिस वालों ने चेतावनी डाली हुई है, चेतावनी भी पढ़ लीजिए आप, ये देखिए कृपया चट्टान में ना चढ़े, पांव फिसलने से दुर्घटना होने की संभावना है, इस स्थान से आगे ना जाए, खाई में गिरने का खतरा है, बच्चों का ध्यान रखें,
आ गया से थाना अध्यक्ष थाना मुक्तेश्वर, तो इसे बोलते हैं चोली की जाली। ये देखिए व्यू चोली की जाली से, सामने क्या फाड़ आ रखा। और ये कि व्यू पॉइंट देखिए। सो गाइस देखिए जो जिस चीज़ के लिए इसे बोलते हैं ना चोल की जाली, एक पत्थर में ना मतलब होल है, मतलब छेद है बड़ा, तो माना जाता है, ऐसा माना जाता है, बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी आपको यही बात बता रहा हूँ। इस पहाड़ियों में एक होल बना हुआ है, यहाँ पर वो त्रिशूल भी लगा है, महादेव का छोटा सा मंदिर है। तो जैसे कई लेडीज़ होती है जो प्रेगनेंट नहीं हो पाती है, तो एक पत्थर है होल है उसके बीच में से जो निकलता है, तो उसके बाद से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो इस वजह से भी ये बहुत फेमस है चोली की जाली। और काफ़ी आप लोगों ने, अगर लोकल होंगे आप लोगों ने यहाँ के बारे में सुना भी होगा इस मामले में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सामने मेरी उंगली के सामने ये होल है, तो इसके बीच से बोलते हैं कि अगर निकल जाए तो जो निकल जाता है फिर उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसा भी माना जाता है। और बहुत से गाइड्स हैं जो ऐसा भी बताते हैं यहाँ के बारे में। ये सामने वाला होल है और देखिए अभी नीचे भी वही है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं चोली की जाली। और महादेव का मंदिर भी है यहाँ पर, तो यही है यहाँ का एक मेन रीज़न इसे चोली की जाली क्यों बोलते हैं। सो गाइस देखिए अभी आ गए हम नीचे उतर के, चोली की जाली से नीचे उतर के, पूरा व्यू दिख ही रहा होगा आपको। ये देखिए पूरा पीछे का व्यू, और जो चोली की जाली का पीछे बैक व्यू दिखाता हूँ आपको। ये है बैक व्यू, क्या खतरनाक चोटियाँ हो रही है, फिर चट्टान देखो ना क्या खतरनाक। और ये देखिए एक नंबर, 100 में से 100। हम चल रहे हैं यहाँ से वापसी, 12:30 होने वाले हैं, तो अब यहाँ से निकलते हैं वापसी। जिस रूट से आए थे उसी रूट से चलते हैं। आपने देख ही लिया है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, चोली की जाली आपको दिखाई दिया है, और फिर कभी आना हुआ तो जल्दी आएंगे और यहाँ को और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक है भालूगढ़ वाटरफॉल। अभी तो बरसात का टाइम है, तो अभी तो इतना खास है होगा नहीं, जाना होगा नहीं, क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं अभी, क्योंकि वहाँ गंदा पानी आ रहा होगा और इस टाइम में बंद भी कर देते हैं जाने के लिए। तो चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दोनों भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, द कुमाऊनी राइडर्स व्लॉग और एक्सप्लोर विद गोलू। और अगर आप लोगों ने हमारे पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं हर्षिल वाली या उससे पहले की ट्रिप की, तो वो भी देखना। तो गाइस चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, थोड़ा बहुत प्यार तो आप दिए हैं, ऐसे प्यार बढ़ाते रहिए, हम भी आपके लिए नए नए कॉन्टेंट और ऐसे ट्रैवल व्लॉग लाते रहेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय गाइस।